मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने इस मंच पर इस बात को रखें कि कुंभ का हिस्टोरिकल दृष्टिकोण Dignified guests. कुंभ शब्द को लेकर क्योंकि इस पे हमारे बीच में जो स्कॉलर्स हैं इस पे काफ़ी विचार भगवत सरन शुक्ल जी ने किया है ऑलरेडी और ये भी हम लोगों को पता है कि कुंभ मेले की और उसके और प्राचीन माघ मेले की परंपरा बहुत पुरानी है। खासकर ये कहा जाता है कि माघ मेला जो है वो हर साल एक तरीके से गंगा के तट पे माघ मेला लगता है, छोटा कुंभ हर साल ही लगता है, जो मैं करीब मेरे को 30 साल अलाहाबाद में हो गए देखता आ रहा हूँ। और इसके पहले हम लोग ले जाए तो अक्षय वट का जिक्र है और ये जो पूरा जो संगम था अकबर के किले के बनने से पहले, क्योंकि जब अकबर इधर आए, सम्राट अकबर आए और उन्होंने एक कोई विद्रोह था उनके खिलाफ, उसको ख़त्म किया और उसके बाद में उन्होंने ये निर्णय लिया कि इधर एक किला बने और किले के दोनों तरफ बांध, जो हम लोग भूल जाते हैं, ये बांध भी एक मुगलों का क्रिएशन है जिससे आज अल्लाहपुर बस गया और तो जहाँ पानी रुक गया। अगर ये नहीं होता तो जो आनंद भवन के पास भरद्वाज आश्रम है, दैट इज द पॉइंट वेयर द एक्चुअल फ्लड प्लेन इज, उधर एक ढाल आप देखते हैं रोड इज गोइंग डाउन, तो उधर तक पानी आता फ्लड प्लेन उधर तक। तो उधर जो सिचुएशन थी वो ये थी कि इस तरफ अक्षयवट था, दूसरी तरफ जिसको कहते हैं प्रतिष्ठानपुर, जो आज झूसी है, झूसी का किला भी है ओवर लुकिंग का ऊपर आश्रम बना है। तो प्रतिष्ठानपुर की तो अलग इतिहास है और जो इधर महाजनपद था, वत्स महाजनपद का ये पार्ट था जिसके साथ प्रतिष्ठानपुर की बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। और झूसी शब्द फोकलोर, क्योंकि एक हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट होने के नाते हम लोग ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से भी देखते हैं, धार्मिक दृष्टि है कुंभ के प्रति। और जैसे कहते हैं एक जिसको फोकलोर मतलब एंथ्रोपोलॉजी के लिए जो जिसमें एक क्या कहते हैं कि लोगों के कॉन्शियस में जो पीपल्स हिस्ट्री है, जिसमें झूसी को कहते हैं कि झुलस गया, जिससे कहावत है कि अधेर नगरी चौपट राजा की जो होता है ना, वो उसी से ही एक स्टोरी है कि शायद ये उल्टा किला कहते हैं कि जल गया था फोकलोर। पर ये जो पूरा जो संगम और कुंभ क्षेत्र का जो लैंडस्केप आप सोच सकते हैं कि मैं 5वीं शताब्दी उससे पहले कैसे रहा होगा कि ये जब किला नहीं था तो एक तरफ ये प्रतिष्ठानपुर एक तरफ ये। और उसके बाद फिर हम लोगों को पता है कि हर्षवर्धन जो सम्राट हर्षवर्धन थे उनके बारे में भी पता है कि वो हर 4 साल में आते थे और अपना सब कुछ दान कर देते थे इसी संगम पे। वो भी एक कुंभ का प्रतीक ही है कि एक धार्मिक स्थल जहाँ सब कुछ, एक इतना महान राजा सब कुछ दान कर रहा है। और किले के अंदर जो हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं, सन्याल साहब से बात हो रही थी और मैं समझता हूँ कि हम लोग की बात मिनिस्ट्री तक ले जाएंगे, फिनेंस बहुत ही हम लोग के बीच में जो है बहुत लकी हैं हम लोग कि किले का ये सोचा जा रहा है कि किला जो बना है जो उसमें अभी मिलिट्री के खाली हो जाए तो हम लोग अंदर जाके बहुत कुछ देख सकते हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण देखने की चीज़ है आज जो अंदर क्वार्टर गार्ड के पास है, जो अशोक की लाट है, अशोकन पिलर, बहुत खूबसूरत, तो वो तो हम लोग परमिशन लेके जाते हैं, पर उसमें पता है कि अशोक की एडिक्ट्स उसमें इंस्क्राइब्ड हैं। ये किला कौशाम्बी में था, कौशाम्बी जो 60-70 किलोमीटर दूर, एक पूरा महानगरी जो 7 स्क्वायर किलोमीटर का एक पूरा टीला, जो दुनिया का मतलब मोहिंजोदारो जितना बड़ा और इटली में जो पंपाई करके नगर जो
ध्वस्त हो गया था उतना बड़ा एक महानगर दबा हुआ है आज क्रॉसरोड्स। तो उधर ये एडिक्ट अशोक के बीच में था पिलर, और उसके ऊपर जो है समुद्रगुप्त के बहुत जो उनका जो हरिसेन की जो वो यूलॉजी है उनके समुद्रगुप्त गुप्त सम्राट के पांचवी शताब्दी के बाद सातवीं से पांचवीं में जाए, तो पांचवी के पहले तो खैर तीसवीं शताब्दी सपूर जिसमें अशोक थे। तो इसमें समुद्रगुप्त की इधर एक गुप्त साम्राज्य एक पावर सेंटर था जिसमें उनकी अश्वमेध यज्ञ और कहाँ कहाँ उन्होंने भारत में विजय की उसका पूरा वर्णन है, ये भी किले के अंदर है। तो कंटिन्यूसली आप देखें कि प्रयाग जो है वो एक बहुत बड़ा मतलब सिर्फ धार्मिक सेंटर भी नहीं था पर ऐतिहासिक सेंटर था। और अगर आप हमारे संग्रहालय में उनके सबके मटेरियल है, टेराकोटा है, स्कल्पचर्स हैं, गुप्त पीरियड के जो सिक्के हैं आप उनको क्लोजली देखें तो पूरा तरीके से दिखता है कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी हो और सब कुछ हो उसमें पूरे तरीके से अकम्पलिश थे उनके राजा, पूरी तरीके से इम्पीरियल सेंटर था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मतलब जो कुंभ जो हम लोग के कुंभ मेला लग रहा है इसकी एक तरीके से जो ट्रेडिशन है इसका जो मैं इतिहास से ज़्यादा ट्रेडिशन कहूँगा जो बहुत पुराना चला आ रहा है। और एक और चीज़ मैं कहूँगा कि कुंभ शब्द मेरे लिए जो सबको समेटता है, तो यही बात हो रही थी प्रोफेसर साहब से सबसे कि देखिए कि इधर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वी आर सिटिंग इन वन ऑफ द रिचेस्ट आर्कियोलॉजिकल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। इधर का हम लोग जब एज आर्कियोलॉजिस्ट देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका जो ह्यूमन रिकॉर्ड है आदिमानव प्री हिस्ट्री से शुरू होता है। अलाहाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऊपर तो गंगा घाटी में है, नीचे विंध्याचल में आ जाता है। तो सोन घाटी बेलन घाटी में अलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अभी बैठे हैं प्रोफेसर साहब कि उधर जो प्री हिस्टोरिक रिकॉर्ड हम लोग को मिला है वो प्रोफेसर जी आर शर्मा द्वारा पूरे वर्ल्ड में प्रकाशित हुआ है कि इधर एक देवी भी मिली है प्री हिस्ट्री जो एंटीक्विटी में पब्लिश है जिसको हम लोग अर्ली पैलियोलिथिक गॉडेस कहते हैं, वो भी एक श्राइन मिली है जो अर्लीस्ट मैन जो गजब का डिस्कवरी है। उसको देखते हुए अगर आप चलें अर्ली मतलब प्री हिस्ट्री जिसको हम लोग अर्ली पैलियोलिथिक कहते हैं पहले जो उनके पास जो हैंड एक्सेस थे जो करते हुए जिसको जो अगला स्टेज आता है जिसको हम लोग मेसोलिथिक कहते हैं 10,000 साल की सपोर्ट जिसमें वो लोग पहाड़ियों से आके जो है चारों तरफ बस के तालाबों की तरफ फिशिंग वगैरह करते थे, उसके बाद में पहले गांव शुरू हुए न्योलिथिक जो अभी डॉक्टर सन्याल से बात हो रही थी कि पहले जो ये बहुत गजब की चीज़ है ये मिडिल ग्राउंड था कि जहां चावल का पहला मतलब कल्टीवेशन और साउथ ईस्ट एशिया से भी कुछ ऐसे ऐसे जो है कुछ फॉक्सटेल मिलेट वगैरह ऐसे प्लांट्स हम लोग को देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टि तो उधर से आ रहे थे, जिससे कि हम लोग का ये है कि पूरा कनेक्शन सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया से बांग्लादेश से सिर्फ सीमित नहीं था कुछ 500,000 साल पर और पुराना था जिसको न्योलिथिक क्रॉसिंग कहते हैं। इस विषय के बारे में मैंने कई अंतर्राष्ट्रीय उसमें लिखा भी। तो आप सोचिए कि समझ लीजिए कि 3,000 साल 4,000 साल BC में ये कनेक्शंस गंगा घाटी तक आ रहे थे और इधर से ही जो है जो इंडस सिविलाइजेशन था उसकी कनेक्टिविटी थी और वो भी आजकल प्रकाशित होने लगे हैं ये चीज़ें। तो उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो न्योलिथिक जो पहले पहले जो आपके जो खेत वगैरह और कल्टीवेशन शुरू हुआ बड़े गांव बने तो उसमें से फिर ये जनपद आए जो 16 जनपद की बात करते हैं, बस जनपद की राजा आए और जनपद के बाद ये बड़े बड़े राज्य शुरू हुए मौर्य से। हाँ जो चार मौर्य बस यही मैं क्रम खत्म कर रहा हूँ कि चार राज्य गुप्ता से ले लीजिए हर्षवर्धन ले लीजिए आप क्रम बढ़ाते जाइए तो आज तक आप फ्रीडम स्ट्रगल से लेके आज तक आ गए। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो ट्रेडिशन है जो मैंने प्री हिस्ट्री से शुरू किया ये एक स्ट्रक्चर आपका ह्यूमन रिकॉर्ड का आप देखिए 2,00,000 साल से लेके आज तक ये बन रहा है जिसमें कुंभ का जो हम लोग का ट्रेडिशन है वो आज तक चल रहा है। यही मुझे मुख्य कहना था। धन्यवाद।